मध्य प्रदेश में हनी ट्रैप के मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। इस बार जो खुलासा हुआ है उससे पूरा प्रदेश सकते में है। दरअसल हनी ट्रैप की सरगना श्वेता जैन ने SIT के सामने कबूल किया है कि उसने कॉलेज की करीब 20 लड़कियों को इसमें शामिल कराया। श्वेता ने बताया कि उसकी सहयोगी आरती दयाल कमीशन के आधार पर इन लड़कियों को लोगों के पास भेजती थी। वहीं श्वेता जैन ने जो बात SIT को बताई उससे हर कोई सकते में है। इंदौर में SIT की पूछताछ के दौरान श्वेता ने कहा कि नौकरशाहों की मांग पर उसने कई कॉलेज की लड़कियों को लालच दिया और उन्हें बड़े अधिकारियों के साथ बिस्तर पर लिटाया, जिनमें ज्यादातर उनके पिता की उम्र के थे, जिसमें एक SIT ने कॉलेज गर्ल मोनिका यादव के साथ श्वेता का सामना कराया। मोनिका ने SIT को बताया कि एक कॉलेज में दाखिला लेने के बहाने श्वेता के संपर्क में आई। श्वेता उसे भोपाल में सचिवालय ले गई, जहां उसका परिचय 3 सचिव स्तर के IAS अधिकारियों से कराया गया। श्वेता ने इंदौर और भोपाल के बीच शटल करने के लिए मोनिका को एक ऑडी कार भी दी। वहीं SIT की जांच से पता चला कि NGO के नाम पर आरती और श्वेता ने कई कॉलेज जाने वाली लड़कियों का साथ दिया और ब्रेन वॉश के बाद उन्हें हनी ट्रैप रैकेट में शामिल किया। News Bureau.